भाई अभी ब्रूस करेगी का तड़की तड़क आली तेरे दौरे देखे देखो खड़ी पीछे ला मैं दंगी निकाल के ला बस बंद करो इसे आज दो भाई एक आवाज़ में उठ गया लड़का ये देखो और रात इसने प्रॉमिस करा था कि आप एक आवाज़ लगाओगी और मैं झटपट से जो है जग जाऊँगा है और अभी फटाफट से ब्रश करेगा और तैयार होगा ये देखो चमक रहे ना दांत चमक रहे वो आके चमक गए और नीचे वाले दांत दिखाई कैसे हो रहे आगे पीछे हो रहे हैं तो सही करवाने पड़ेंगे भाई पता नहीं कैसे दांत जमन लगे मम्मी मेरी जीभ बड़ी सी है इन पे लगे जीभ बेटा सबकी ऐसी हो है बड़ी छोटी किसी की नहीं होती आरसी तो जीभ ऊपर तक ले जा हेलो जी राम राम जी कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं बच्चे पाँचों के पाँचों चले गए हैं स्कूल में तो यहाँ पर अभी जल्दी से ही आज लंच बनाने की तैयारी क्योंकि आज हमारे घर में है श्राद्ध ताऊ ससुर जी का और जो हमारी दादी सास है उनका श्राद्ध है दोनों का एक साथ ही आता है तो अभी मैंने यहाँ पर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और हम बनाएंगे जमे आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी तो चने वगैरह इसलिए नहीं भिगोए थे आप लोग बोलते हैं कि उसमें नहीं बनाना चाहिए श्राद्ध वाले दिन तो फिर मैंने सोचा कि सिंपल से आलू टमाटर की सब्जी और पूड़ी बना के बस ये जवे बना लेंगे मीठे में तो जी अभी जो है तैयारी शुरू है और सब लोग जो है बाकी घेर में चले गए हैं चाचा जी भी और पिताजी भी सब ने नाश्ता कर लिया है सुबह के टाइम नाश्ता इसलिए जल्दी बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चों का टाइम 7:30 का होता है और वही हम लोगों का होता है खाना बनाने का तो इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लेंगे श्राद्ध की जो पूजा के लिए खाना बनेगा वो इधर बना लेंगे और उधर जो है बच्चों के नाश्ते की तैयारी करी कुछ स्टफिंग रखी थी कल की बची हुई तो उसी के जो है मैंने पराठे बनाकर दे दिए थे उनको किसी को प्लान पसंद है किसी को पिट्ठी वाले भर के पसंद है तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है बच्चों की भी तो इधर ही अभी अपना बेचारे नहा धो गए देखो धूप सेक रहे अब तो इन्हें भी धूप प्यारी लगा करेगी जैसे हम लोगों को लगती है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी सी सर्दियाँ आ चुकी है गर्मी थोड़ी दिन में होती है 12 और 1 बजे के टाइम पे बाकी बाद में जो है एकदम मौसम चेंज हो जाता है और छोटे बच्चे तो जल्दी आ जाते हैं घर पे तो अभी फिर घेर में जाऊंगी कुछ काम है वहाँ पे भी तो मैं सोच रही हूँ आपने सही कहा था कि आप लोगों को भी इंतज़ार है कि हम लोग जो है कब से अपनी फार्मिंग शुरू करेंगे छोटे है स्तर पे अपने घेर में जो अपनी किचन गार्डनिंग है तो हमें वो शुरू कर देनी चाहिए अभी एक तो वहाँ पे ज़्यादा एरिए में ईंट के भी पड़े टुकड़े पड़े छोटे छोटे से और दूसरी तरफ पड़ा है रेत बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसे हम उठा के इधर से उधर नहीं कर सकते 2-4 तसले हो तो सर रख भी दे लेकिन ज़्यादा मात्रा में है तो हम सोच रहे हैं कि जैसे जैसे वो यूज होता जाएगा और एक हमें उसका लेवल बनवाना बारिश के मौसम में मतलब कि पानी उस तरफ ना भरे पीछे की साइड में नहीं तो फिर दीवारों को नुकसान होने का डर रहता है तो हम सोच रहे हैं कि एक तरफ से प्लान हो के वो एक तरफ से उसका लेवल ही हो जाए और पानी का जो है कहीं सी पाइप लग जाए तो फिर जो है हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे तो किचन भी नीचे ही बनाएंगे ऊपर नहीं बनाएंगे बिल्कुल एकदम देसी तरीके से वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे जैसे जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग भी शुरू करेंगे नवरात्रों के उसमें क्योंकि श्राद्ध में हमारे यहाँ पर कोई भी ख़रीदारी नहीं होती किसी भी चीज़ की कपड़ों की भी या बर्तनों की किसी भी चीज़ की और यहाँ पर देखिए ये नीम का पेड़ा वैसे तो इसमें बीमारी सी आ गई थी लेकिन चाचा जी ने इस पर स्प्रे करा था तो अभी जो है इस पर ग्रोथ इसकी अच्छी हो रही परसों मैंने सब पानी भी छिड़का था पाइप पे और इसमें नीचे भी पाइप दिया था और जो चकोतरा है ना एक रखा उसका बीज भी बोया था मैंने क्योंकि बताया जा कि चकोतरे का जो है मतलब इम्यूनिटी इतनी बढ़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा है हेल्थ के लिए अच्छा होता है खाने में तो एक खाया नहीं किसी ने भी गगन भी घर चला गया था कल तो घर ही सोया था उसके नारियल वगैरह रखे थे अब तबीयत जो है सबकी ठीक है बच्चों की गगन की भी ठीक है और ये इधर बना दिए टिगड़ी तोते और कल जो हमारी सांझी थी वो भी मैंने कंप्लीट कर दी थी ऊपर रखी नीचे उसमें चूहों ने पंजे मार दिए थे जहाँ जहाँ मार रखे थे तो वहाँ से उसे सही कर दिया और जैसे भी बनी बस ऐसी बना दी अपने हाथ से देखो एक छोटी सी प्रतिमा बनाने की कोशिश करी माता रानी की जिसकी पूजा करेंगे घर में और ये टिगड़ी तोते यहाँ बनेंगे बस इतने ही बहुत हैं क्योंकि फिर इन्हें चिपकाने के लिए जगह भी चाहिए अब की बार हमारा उस जगह पे मंदिर रखा हुआ है जहाँ पे हर साल हम लोग सांझी लगाते थे दोगड़ रखते थे कलश स्थापना करते थे तो चलो जी अभी इधर दूध भी गर्म हो जाएगा फिर इसमें जवे डाल देंगे और ये रोस्टेड जवे हैं इन्हें पहले से ही हम लोग भून कर रख लेते हैं देखो ये पहले से ही भून कर रखे जाते हैं नहीं तो इनमें जो है कीड़े होने का डर रहे हुए हैं अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो बिना रोस्ट करे हुए और ये दूध गर्म हो जाएगा
और तब तक जो है ये गर्म होगा तब तक आलू काट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जेवे जो हैं बनके तैयार हो चुके हैं। बस इसमें डालना है अभी मीठा, यानी कि शुगर पाउडर जो मैं लेके आई हूँ खांड, तो ये इतनी सी काफ़ी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिठास है। तो ये डाल दिया है, इसको चला देते हैं। बस अब मैं सब्जी छोंक दूँगी आलू टमाटर की। आलू भी काट लिए और टमाटर भी काट लिए। तो जब तक प्रीति जो है अंदर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देगी और गुड्डू के पापा नहा के आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो बस स्टॉप तक बच्चों को छोड़ने के लिए गए थे। और ये ना ठंडे होने के बाद में भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, एकदम से कैडे से हो जाएं। ये हाथ के हैं ना, होममेड है, मशीन के तो बहुत बारीक से हों लेकिन ये हाथ वाले थोड़े से मोटे हुए हैं। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, ये देखिए। और बस इसमें अभी थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं ऊपर से। और थोड़ी है ये क्वांटिटी में, क्योंकि जमे भी बने हैं ना इस वजह से, तो कई सारे आइटम हो जाते हैं तो इतना काफ़ी रहता है। और अभी मुझे हर उसके लिए चावल भी बना ले, फिर कहेगा नहीं तो कल की तरह कि अब तक बना ही नहीं गया। तो इसमें ही बना दूंगी मैं कढ़ाई में। तो पहले इसको जो है उतार लेते हैं एक बार। अभी बज गए हैं 10:30। तो जी धूप आने से पहले ही आज मैंने जो है खाने का काम कंप्लीट कर दिया। अब ये सामान यहाँ से सारा संगवाना, बड़े बर्तन सारे रिदा के प्रीति ने साफ़ कर दिए थे, पूजा पाठ हो चुकी है। और अब ये वाला एरिया साफ़ करते हैं चूल्हे का। आधे बर्तन जो है साफ़ हो गए हैं, बाद में जिसने भी खाना खाया, जैसे कि हमने भी खाया पूजा के बाद में खाना खा लिया, तो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब अपना काम करते रहेंगे और फिर जो है तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, कपड़ों की धुलाई करेंगे। फिर चलो जी लगते हैं अपने काम में। और जमी आलू की सब्जी, पीले चावल, हल्दी वाले जी ने आरुष खिचड़ी बतावे, जीरा नहीं चाहता, टमाटर नहीं चाहते, आलू नहीं चाहते, बस चावल ही चावल चावे। फिर मैंने नहीं बना दिए भाई आज, कढ़ाई में डाल के पहले भिगो कर रख रखे थे। सबका जी राजी हो जाएगा जागतों का, उन्हें पसंद है, मैंने कहा हमें पसंद है ऐसी चीज़ें। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये बिछा तो दिया है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक भी चावल का दाना गिरना नहीं चाहिए। किसके? इसके जो बिछाया है ना इसके? हाँ क्यों? देखो क्यों बता रही है। अरे बेटा ये इसलिए बिछाया है कि तुम गंदा ना करो यहाँ पे। और आप पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि मतलब ये नहीं कि आप गिराई दोगे इसलिए बिछाया है ये। एक छोटा सा कपड़ा बिछा दिया और नीचे बैठते नहीं। मैं कह रहा भाई नीचे बैठ जाओ, देखो कितना शानदार टाइल्स वाला फर्श है, वहाँ भी कोई दिक्कत ना है। नंदनी ये नहीं मानती है, सबसे ज़्यादा ये नहीं मानती। बेटा बेटा चाहते क्या हो ये बता दो एक ही बार में। क्यों नहीं बैठ सकते आप नीचे? इसका मन भर गया है, हैं? कह रहा मेरा तो मन ही भर गया। भैया मन नहीं भरता, पेट भरता है तब मन भरता है। पहले पेट भरना पड़ता है तब भरता है मन। जब पेट खाली हो ना तब मन भी खाली होता है, समझ गए बेटा? अभी तुम्हें ये चीजें बाद में समझ आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एहसान मानना मेरा। सोना है, सोना है खाते है? अच्छा तो भाई फिलहाल ये स्कूल से आ चुके हैं, एग्जाम इनके जिसके जैसे भी हैं चल रहे हैं। बस इन्हें पता ना हमें पता कि कल काहे का है और आज काहे का था, है इतना कोई ध्यान दे नहीं रहा इन पे, और ये खुद ही ध्यान दे रहे और हमें पता क्या भगव है। टेंशन मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं अपने आप ही। क्या हो गया, लड़ाई बच गई क्या? आलू नहीं खाती अब। कोई आलू नहीं खाता, चावल नहीं खाता, ऐसे बदल बदल के बेटा ये नीचे भर दो, थाली से नीचे गिरा दियो सब, हैं? उपकार होगा तुम्हारा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई काफ़ी दिन हो गए भाई चलाते चलाते से, और 4,000 किलोमीटर की जगह मैंने ये 5,000 किलोमीटर चला दी और इसकी आ गई अब सर्विस। 4,000 पे बोला था कि भाई एजेंसी वालों ने कि भाई 4,000 किलोमीटर चल गया। 4,000? अरे 16,000 टोटल किलोमीटर चल गया। 16? और अच्छा ये दिखा रखा है इसमें 16,000। ये मीटर देख रही, इसने मीटर नहीं देखा आज तक कि कितने चल गए हैं। 16,051 किलोमीटर चल गया है।
2 साल से ज़्यादा हो गए, सितंबर में से पूरे पूरे 2 साल हो गए थे, मतलब 31 अगस्त को बहुत बारिश हो रही थी। 8,000 किलोमीटर पर ईयर चल रही, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही ना है, कम ही चलाते हैं, उतना ज़्यादा पेलते नहीं है, आराम आराम से चलाते हैं कि किलोमीटर कुछ कम हो, लेकिन आराम से चलो या तेज किलोमीटर तो उतने ही होंगे। और मैं जा रहा हूँ उसे लेके कांडला, इसकी एजेंसी की सर्विसेज जितनी फ्री थी वो सारी हो गई हैं पूरी, और अब बाहर से इसकी सर्विस मुझे करवानी है, तो भाई वहाँ पे एक मिस्त्री जी कांडला करवाइयो, तुम बकाई में भी जल्दी आ जाओ, सही चीज़ लगवाइयो जो कुछ लगवानी तुम्हें। सही चीज़ लगवाऊँगा मैं, बकाई में आ जाऊँ। हाँ अच्छा, जो ना कोई सही चीज़ बता देना, वह दम देना करवा लें, देख के परख के। जब देखो ज़्यादा देखना परखना या छानबीन करना, इसके लिए टाइम चाहिए, और जितना ज़्यादा छानबीन करोगे ना उतनी संभावना रहती है गलत चीज़ जाने की। ये मैंने एक्सपीरियंस कर रखा, तुमने शायद ना करा हो, जितने हम छानबीन करें वो है नहीं, बस जितना छान का पियो है ना उसे गद्दो ही मिला है। अच्छा। कहावत ही है बस, कहावत वाली। हाँ, फिर भी जो भी अच्छा लगे वो करवा लो, ध्यान से क्या मुझे क्या पता इसके भाई क्या होना क्या नहीं, वो तो मिस्त्री करेगा इसमें क्या होना क्या नहीं। फिलहाल जो है भाई मैंने इसे दो पूंछ को सही कर दी, इसकी धूल मिट्टी, और आज जा रही है हमारी ये धन्नो सर्विसेज पे 5 दिन। अभी जो है कपड़ों की धुलाई भी हो चुकी है, कपड़े बहुत सारे थे क्योंकि कल नहीं धुले, और आने वाले कल में नहीं धुलने के क्योंकि अमावस्या वाले दिन फिर कल पूजा होगी, तो कल जो है लास्ट का वो बोलते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या होती है, पितृ विसर्जन अमावस्या है कल, और कल के दिन ही हमारे यहाँ पर संजी लगती है। तो सबके अपने अपने नियम होते हैं, जैसे मतलब चलता आ रहा है इस तरीके से ही सब लोग मनाते हैं, किसी के यहाँ पर कमेंट करके बोलते हैं हमारे यहाँ पर दूसरे नवरात्रि में संजी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ पर अमावस्या की शाम से ही पूजा शुरू हो जाती है, और सुबह को फिर जो है कलश स्थापित करने के बाद में फिर नौरते बोए जाते हैं। हर साल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे हम लोग करते हैं, तो सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर होता है हम लोग वैसे ही आपके साथ में शेयर करते हैं। हर नवरात्रे फिर परसों से शुरू हो जाएंगे, और इधर देखिए पूरे एरिया में छांव आ गई है, गुड्डू के पापा चले गए हैं क्योंकि शाम तक ही आएंगे बाइक की सर्विस कराकर, और हमारे भी लगभग दोपहर तक के सारे काम निपट चुके हैं। चाचा जी आ गए हैं और अब ठंडा पानी होने लगा है, तो इसलिए सुबह के टाइम नहीं नहाते, इस टाइम नहाए हैं। मैंने कहा थोड़ा सा टैंक का पानी गर्म हो जाता है, सुबह मैं बोल भी रही थी कि गर्म पानी दे देंगे, रखा हुआ था आरी में, बच्चों के लिए तो गर्म ही करना पड़ता है, सुबह की आती है, और कुछ तो मौसम चेंज हो रहा, तो इस वजह से बच्चे गर्म पानी में नहा रहे, 8 दिन हो गए पूरे, और इस टाइम देखो कितनी गर्मी हो रही। मैंने बोला था ना 12-1 बजे के बीच में वो पसीने अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं, तो अभी उन्हें मैंने खाना दे दिया लगा के, नहा लिए वो, और बस अब आराम करेंगे। इनका चारा पानी सब कुछ कटा हुआ है, बस इन्हें डालना। अभी तो ये कई घंटे का रेस्ट लेते हैं, सुबह के 8 बजे तक नहा दोगे, देखो कैसे है ये छोटू अब खड़ा हो जाएगा। मैं ये नु सोच रहा मैं इसके पास कुछ लेकर आई, भाई मैं तेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई, कुछ भी नहीं लेकर आई, और भैंस के पास में कितनी सुंदर सी छोटी सी चिड़िया बैठी थी चली गई, देखो आवाज़ आई ना उसकी बोलने की बहुत ही सुंदर सी। तो चलो भाई फिर इनके चारे पाने का टाइम हो जाएगा, और गुड्डू चिंकी खाने का भी टाइम हो जाएगा, और छोटे वाले तो अपना खेल रहे अपना लड़ रहे और खा रहे, उन्हें खाना लगा के दे दिया था मैंने, और खिचड़ी उनकी फेवरेट बनी हुई है आज। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।